नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सोई किस्मत जगाने का मंत्र। क्या आपके हर काम में कोई ना कोई बाधा आ रही है? ऐसा तब होता है जब आपकी किस्मत सो गई हो। अगर ऐसा है तो आपकी बर्बादी आपको बुला रही है। अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में जो बताया है उसे पूरा करें, शायद ये वीडियो आपकी किस्मत बदल दे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आप अपनी सोई किस्मत को कैसे जगा सकते हैं। आज हम आपको गुरु व कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताएंगे। तो आपको करना क्या है? पहला उपाय, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ पल देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है, इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। दूसरा उपाय, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूरा करने में सहायक होंगे। चौथा उपाय, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर देते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। पांचवा उपाय, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है और वहां से चली जाती है। छठा उपाय, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। जहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके यह बहुत ही अचूक उपाय है। सातवां उपाय, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक छोटा लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता यह है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। आठवां उपाय, घर खाली हाथ ना जाए। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। अगर आपको इन उपाय को करने के बाद कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा तो आप बिना देर के गुरु मां कृष्ण मूर्ति जी को कॉल करें और अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए अपनी कुंडली अनुसार उपाय जान लें। गुरु मां कृष्ण मूर्ति जी का नंबर स्क्रीन पर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।